السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بمجيئكم وبعودتكم إلى درس الحديث من جديد هياكم الله تعالى أيها الطلاب الكرام وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي

हमारे जेर मुताल अहादीस नंबर तीन हज़ार दो सौ चौवन से तीन हज़ार दो सौ पैंसठ तक हैं और हम हसब मामूल अहादीस के उर्दू तर्जमा पर फोकस रखते हुए काबिल वजाहत अल्फाज की कदर वजाहत करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हदीस की निशान इसनादी हदीस हदीस की इसनादी हैसीयत की भी निशानदही की जाएगी बमा तोीकु ना इल्ला बिल्ला जैसा कि आपको मालूम है कि ये किताब निकाह के सिलसिले में अब फसूल और उनके तहत दी गई अहादीत हैं बड़ी ही अहम हैं ख़ास तौर पर मुस्लिम माशरे की तंदरुस्ती और बेहतरी व भलाई खैर बरकत के अतबार से तो आते हैं आज भी देखते हैं कि हमारे सबक में पहली हदीस कौन सी किस से मरवी है बराह रास्त किताब से हम मुताला करते हैं ये हदीस मैं आपसे शेयर किए देता हूँ तीन हज़ार दो सौ चौवन हदीस है आज बाबू इशरत नसा या कोतों की सात ज़िंदगी या रहन सहन के बारे में और इन में से हर एक के हकूक़ के बारे में ये बयान है अगर एक से ज़्यादा बीवी है तो फिर और फिर जो हकूक़ हैं अजवाजी ज़िंदगी में एक दूसरे पर 3254 वाला अनस बिन मालिक इन अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से यह रिवायत है قال قال رسول वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मरअतु इदा सल्लत खम्सहा औरत जब नमाज पढ़ती हो पांचों اوقات की फर्ज नमाज व समात शहरह और वो रमजानुल मुबारक के फर्ज रोज़े भी रखे व आहसात फर्जहा और अपनी किस्मत की हिफाजत भी करे वात बला और अपने खामंद की यातात तो व फरमा बरदारी भी करे फल तद मिल अये अब वापिल जन्नत उसे चाहिए कि वो दाखिल हो जाए जन्नत के जौन से दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से भी चाहे रवाह रवाह हो अबू न फिलिखलिया इसको हदीस को रिवायत किया है इमाम अबू नईम ने अपनी मरूफ किताब अलिया में तो तीन हजार दो सौ चौवन हदीस हदीस जो है सनद के अतबार से तो ज़ीफ़ है सनद में यजीद अर्रकाशी ज़ीफ़ रावी है इसके अलावा भी सुफियान सौरी मतलस और अन सनद में मौजूद हैं नीज़ इसके शवाहद भी इमाम इबन हिब्बान वगैरह रहा के हाँ मौजूद हैं मगर वो भी गाइफ हैं तो अल अजीज तलबा ये हदीफ संद के अतबार से मैं सेहत के मैार को नहीं पा सकती हूँ पहुँच पाई लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये जो क्वालिटीज़ आ, सिफात एक साल औरत की, की वैसीत बीवी जिक्र की गई हैं उसका अजर ववाब या उसके बारे में उसके जो समारात हैं अवाकब हैं उसके आ, दुनिया और आखरत में दोनों जहानों में वो बहुत ही अच्छे बेहतर और ख़ैर व बरकत पर कामयाबी और कामरानी पर मुश्तमिल हैं तो वोफ़ी को ना अः हल्लापर तीन हजार दो सौ पचपन अबू से यह रिवायत है कहते हैं काला रसोल्ला के वसल्लम ने इर्शाद फरमाया लोकन तो आहदन अगर मैं हुक्म करने वाला होता किसी भी एक को जुदा लहा दिन के वो किसी को सजदा करे अमर तुलमर आता तो मैं हुक्म करता औरत को जिहा कि वो अपने खामद को सजदा करे रवाहु तिरमजी और इसे इमाम तिरमजी ने रिवायत किया है और ये हदीस जो है ये बड़ी मरूफ भी है सनद के अतबार से हसन यानी सही है मज़ीद ये मालूम हुआ कि ताला के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं कयामत तक ना ही सजदा इबादत और ना ही सजदा तवीन हर किस्म का सजदा जो है वो ममनू है तो हदीस जो है ये इस अतबार से बड़ी अहम है उसने मुआशरत के लिए कि सजदा तो हराम ही है लेकिन इस इसकी अहमियत और खामत की इज्जत तो हितराम और वक़ार उसकी घरवाली के हाँ ये अधहर मिन शम्स है क्लियर दैन सन है जी तीन हजार दो सौ पचपन हदीस के बाद तीन हज़ार दो सौ छप्पन हदीस आ गई है व अन उम सैदा उम सल रही अल्ला से यह रिवायत है कहती हैं कॉलत कॉल रसूल के रसोल्ला सल्ला वसम ने इर्शा फरमाया अयो ममरा तिन जौन सी औरत भी मात फौत हो जाए वह रऊ जुहा रौदिन और उसका खामद इस हाल में कि उसका खामद उससे राज़ी था तिल दाखिलतल जन्नत तो वत जन्नत में दाखिल होगी रिवाह तिरमजी उस इमाम तिरमजी ने रिवायत किया है तीन हजार दो सौ छप्पन अदीस की सनद हसन यानी अदीस सही है और अपने मफहम में क्लियर है तो गोया जैसा कि वो एक रिवायत के कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं कि आपका जो खामद है वो आपके लिए या इमा जन्नत व इम्मा ना रुक इमा जन्नत के व इमां ना रुके या तो तेरा खामन जो है वो तेरी जन्नत है या वो तेरी जहन्नम है तो उन दोनों में से जौन सी चाहो तुम उसका इंतख्या कर लो आगे तीन हजार दो सौ छप्पन के बाद हमारे पास हदीस है तीन हजार दो सौ सतावन वन तल्क बिन अली सैदना तल्क बिन अली रदी अल्लाह तु से ये रिवायत मरवी है काला वो कहते हैं काला रसोल्ला के रसोल्ला सल्ला वल्लम ने रिशात फरमाया इधर रजुलदाता हु जब आदमी बुलाए अपनी बीवी को लिहा जाते ही अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बलता तो चाहिए कि वो फौरन उसकी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हाजिर हो जाए उसके पास पहुँचे व इनका तन्नूर अगरचे वो तन्नूर पर ही क्यों ना हो तंदूर जो है वो जहाँ रोटी जो है वो पकाई जाती है घर में भी तंदूरी होती है और बाहर में बड़ा एक गांव का तंदूर भी होता है तो बहरहाल मुराद ये है इससे कि सिर्फ ये नहीं कि तनूर के अलावा किसी और जगह बैठी हो तो फिर वो ना भी जाए तो कोई हर्ज नहीं एक अहम चीज जो औरत की जिंदगी में जो कि घर में उसकी जिम्मेदारी है जिसमें वो बड़ी मसरूफीत तो और उसका ताल्लुक खाने पीने के साथ भी है और जिसको छोड़ा नहीं जा सकता और तमाम अहले खाना की ज़रूरत उससे वाबस्ता है वो है रोटी का तैयार करना तो इस ज़रूरी इंतहाई ज़रूरी चीज़ की तैयारी में भी वो मसरूफ़ हो तो खामद अगर बुला ले तो उसकी पुकार पर उसके बुलाने पर उसको चाहिए कि वो फ़ौर बहादुर हो अल्लाह पाक की मंशा अल्लाह पाक का हुक्म और रज़ा इसी में है उसके लिए रबा तिरमदी इमाम तिरमदी ने रिवायत किया है आ, इस अदीस की सनद भी बिल्कुल सही है बीवी को इसलिए पाबंद किया गया है इस मामले में कि अगर मर्द की बरवक ज़रूरी पूरी ना हुई तो उसके दिल और बदन के किसी भी हिस्सा को नुकसान भी पहुंचने का खदशा होता है तो इसके अलावा ये भी है कि मर्द के बहकने का भी बहुत ज़्यादा खदशा होता है और इसी तरह मर्द के अपनी बीवी पर नाराजी का भी बड़ा बहुत ज्यादा जो है ये दरिया बनता है ये मामला ये इनकार तो कई एक मसाइल और मसाइब जो है वो दोजैन में जन्म लेते हैं खास तौर पर दोहफे बसर लाक हो जाती है अगर काम जो है वो उसकी जरूरत पूरी ना हो बर वक्त अपनी बीवी से तो ये ये तो खैर तबी और फिजिकली असरा जो है कितने होते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है या जो एक्सपर्ट इस मैदान के लोग हैं उनसे भी पूछा जा सकता है अल सुना है मैंने कि बहुत सारे तरफैन में बल्कि जो है वो ये नुकसान होते हैं ख़ास तौर पर फिजिकली भी स्परिचुअली भी आ, ये जो है अपना हर एतबार से आ, और तन्नूर से मुराद किसी भी जगह जैसा कि मैंने ये बात कही है तो इस पर ख़ासी गुफ्तु की जा सकती है यार पहलू से मफह अधिस का बिल्कुल क्लियर है इसलिए बीवी को ये पाबंद किया गया है कि खामत जो है उसके जो अखलाकी जो पहलू हैं उसकी हिफाजत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है अच्छा जी आगे हिसीस हमारे पास है तीन हज़ार दो सौ वन मअन मवादिन जबल रज़ी अल्लाह तुसे यह रवायत मरवी नबी वल्ला के नबी सल्ला वसम से मरफू बयान करते हैं कौला आपने फ़रमायातू जी मत दुनिया नहीं ईजा देती तकलीफ़ देती कोई भी औरत अपने खामद को दुनिया में किसी भी एतबार से तकलीफ़ हो सकती है कि जिससे खामद अजयत में गिरफ़्तार हो जाए या परेशानी और मुश्किल महसूस करो करे अल्ला तोहिनहूर है मगर ये कि उसकी जो हूर हुन में से जो जन्नत की हूरे हैं उनमें से कोई हूर जो है वो ये कहती है उस किस तरद अमल पर कि ला तू दी है का तला कि ला अल्लाह तुझे हिला करे इसको तकलीफ़ ना दे इसको तकलीफ़ ना दे फाइनमा हुआ इन दखील बेशक ये तो जो हामद है तेरा वो तेरे हाँ एक मेहमान है यानी चंद दिनों का मेहमान कुछ अरसे के लिए मेहमान तेरे पास है तेरा साथी है यूश कुार के लीना और करीब है कि ये अपना तेरी रिफाकत छोड़कर तुझे दागे मुफारकत दे और ये हमारी तरफ जलाए यूशार के एलना तो रवा तिरमजी इमाम तिरमजी ने रवायत किया है माजा और इमाम इबन माजा मल्ला दोनों ने वकाल तिरमजी और इमाम तिरमजी कहते हैं गरीब उनके ये हदीस गरीब है तीन हजार दो सौ हदीस की सनद अहल तहकी के बाद ये साबित हुई कि यह सनद हसन यानी सही है और हदीस में लफज दखील उनको अंडरलाइन कीजिए आरधी मेहमान चंद दिनों का मतलब ये कि दुनिया की किराबत दारी बल्कि आप बिल्कुल आरधी है कोई भी इंसान है तो वो मेहमान ही है इस दुनिया में मुसाफिर जैसा कि दिस में कहा गया कि वो एक चलता हुआ मुसाफिर है तो अपना और असल रिश्ता जो है आखरत का ताल्लुक और रिश्ता है दुनिया में चूंकि करार और क्याम भी बड़ा मुख्तसर है इसलिए दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो भी जितने भी करीबी हों गहरे हों तो वो आरजी ही हैं असल रिश्ता जो है वो एवर लास्टिंग जो ज़िंदगी है उसके लिए जो बने रिश्ते वो हैं असल रिश्ते तो वो रिश्ते पक्का पुख्ता रिश्ता वो तभी होता है जब इंसान का ईमान मजबूत अल्लाह पर उसके पैगंबर पर और उसके मुताबक आमाल हो जैसा कि अल असर में ये चीज़ें ज़िक्र हुई हैं कामयाबी की अच्छा जी तीन हजार दो सौ अठावन हदीस और उनसठ हदीस आ गई हमारे पास वन हकीम बिन मुआवियत अनुआवियत अनकुशरी ये हकीम बिन मुआविया कुशरी रह रिवायत करते हैं है अपने बाप आ, मुआविया कुशरी रजी अल्ला उनके बाप कहते हैं वालिद कहते हैं कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह के रसूल वसल्लम मा जऊज आहा देना आलही अब कुछ हकूक जो हैं जैसा कि खुवात बीवियों के, के हकूक अपने शहरों पर हैं इसी तरह शहरों के हकूक अपनी बीवियों पर वो तो जिक्र हुए हैं कुछ तो हर दो तरह तरफ से जो हकूक या फ़राज वाजबात हैं एक दूसरे पर उनका हदीस के में आया है या शरीत में या कुरान मजीद में भी ये एक तरफा मामला नहीं है जैसा कि वाला हन्ना मिसर बिलमूफ व आश रूहन्नाबिलरूफ़ व और अदीस में फस्तोसन बिल्बर यानी आगे जैसे आ रही हैं अब कुछ ख़वातीन के हकूक हैं अपने शहरों पर अब उसी सिलसिले में अकीमिन माविया कुशरी के वालिद जो हैं वो रसूल सल वसम से रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैंने मैंने अल्लाह के रसूल से ये कहा रसूल सल्ला वसम माहब कोहा देना आ है हम में से किसी एक की जो बीवी है उसका हम पर क्या क्या हक है कौन कौन से हकूक़ हैं काला आपने फरमाया अब ये जो आपने जिक्र किया है ये एक पहलू के अतबार से है वगरना हकूक तो और भी बेहद बहुत से हैं तो ये नहीं इससे मुराद के जो इस हदीस में जिक्र हुए हैं बस वही हकूक हैं इसके अलावा और नहीं नहीं तो ख़ास तौर पर बसाओकात जिन हकूक़ की अक हक, तलफी होती है किसी ख़ास वक्त में उसी सिलसिले में जब साहबी पूछते तो अल्लाह के रसूल वसल्लम उसी के बारे में ज्यादा फाइंड आउट करते और निशानदेही करते थे तो यहाँ मामला है घरेलू फिज़िकली ये अपना एक दूसरे के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का तो आपने ये बात फरमाई अकाल आपने फरमाया अंतोतमा हा ये कि तू उसको खिलाए ऐम था जब तू खुद खाए या जो तू कुछ जो कुछ तू खुद खाए और जब खाए तू उसको भी खिलाए वह तक सुबह और ये कि तू उसको पहनाए ये जख्त सही था जब तू खुद पहने वला तदर बिल्वजहा और ज़रूरत इंतहाई शदीद ज़रूरत की हालत में भी अगर कोई आत चलाना पड़े तो कभी भी चेहरे पर ना मारना वला तदर बिलवजहा चेहरे पर मत मारना वला तो कब और ना उसको क्या कहना यानी तो कब्बे कभी से है यानी उसको बुरा बलावी ना कहना उसको उसके साथ अच्छाई से बर्ताव करना सलूक करना एतराम अहराम आदमियत सरफेन से मलहूज खातर हो तो क्या ही जिंदगी है वला तहजुर और मत छोड़ उसको इल्ला फिल्बई से मगर घर के ही एक कोने या हिस्से में अगर अलादगी भी करना हो तो उसको घर से चार से ना निकालो क्योंकि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उस वक्त शैतान भी साथ लगता है और फिर वो सिलसिले शुरू हो जाते हैं ना ख़त्म होने वाले अल्लाह रहम करे यहाँ तक कि जुदाइयाँ भी हो जाती हैं मामलत बढ़ते हैं इख्लाफ जो है उनके बढ़ जाते हैं शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं फ़ासले बढ़ जाते हैं अगर खातून अपने मेके चली जाए तो और ज़्यादा मेके वाले जैन वालद हैं उनके साथ उसका खूनी ताल्लुक़ है वो उसकी फेवर करेंगे करेंगे तो उस पर खामद जो है उसके घर वाले या वो जो है वो दिल पसीज लेगा यानी कई खराबियां जो कि शैतान साथ होगा तो फरमाया कि अपने मामला को अपने घर में ही उनको निपटा लो जहाँ तक भी मामला आगे तक अब तक बढ़े तो अपनी घरवाली घर वाली को अपने घर से ना निकालो ताकि उसे ये एहसास ना हो कि ये घर इस खामद का है और मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बल्कि जब तक वो घर रहेगी तो मुस्बत सोचें उस पर हावी रहेंगी कि घर तो मेरा ही है मेरे खामद का ही है मैं ही उसकी मालिका हूँ इसमें बड़ी हैं रवामद अबू दाबूदा बबन माजा इसे इमाम अहमद इमाम अबू दाबूद इमाम माजा राम सब ने अपनी अपनी कुत्ब हदीस में रिवायत की है और ये हदीस सही है हदीस में इबारत व तक सुबह तो सही था इसको भी अंडरलाइन करके इसका तर्जुमा जहन में रख लीजिए और जब तुम खुद पहनो तो उसे उन्हें भी उसे भी पहनाओ आगे है तो दीस तीन हजार दो सौ साठ नेक्स्ट वन लकीत बिन सबरा लकीत बिन सबिर रजी अल्लाह तुझसे ये रिवायत मरवी है कला कहते हैं कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली सल्लाम इन्ना ली इमरातन फ़ी लसान या शयन यानी अलबा अकबर के मेरी एक और बीवी है इन्ना ली इमरातन फ़ी लसान उसकी जुबान में शयन कोई चीज़ है यानी मुराद वो ले रहे थे यानी वो मुराद ले रहे थे अलबदाआ यानी कुछ गुफ्तगु अच्छा नहीं यानी बदगो यानी फोश गो है तो यानी कलाम जुबान अच्छी नहीं पाकिजा नहीं काला आपने फरमाया तो कहा उसको फिर छोड़ दे आज़ाद कर दे तुम तो शिकायत कर रहे हो कि उसकी जुबान गंदी है कुल तो मैंने कहा इन अली मिन एक तो ये है कि उससे मेरी औलाद है ठीक है वालबा तुम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीज़ तलबा ये फरमाया कि तल्ले कहा उसको आज़ाद कर दो अगर वो बर्दाश्त नहीं उसकी ज़ुबान तो कुल तो मैंने कहा इन्ना ली लीम वाला धन कि मे मेरी उससे औलाद भी है वाला सोहबतन और एक ये ख़ास मेरा उसके साथ ताल्लुक भी है ऐसे मुरा तल्लुक़ हो सकता है गुरिश्ता दारी का भी गिश्ता रिश्ता दारी रिश्ता दारी भी हो उसके साथ कालाब ने फरमाया तो फिर फमूर हा तो फिर तुम तो उसको यानी यूलो ए गफ़ा मुराद है फमूर उससे फिर कुछ कह दो यानी उसे कुछ हुक्म दो क्या यानी कह रहे थे आपसे मुरा आपकी मुराद ये थी कि यानी उसको फिर नसीहत वगैरह करो अच्छाई की बलई की बेहतरी की ये वो ठीक हो जाए फ़ाइ या कुफी या खैर तो अगर उसमें कोई खैर या बलाई और बेहतरी हुई तो फसा तक बा तो वह अनकरीब या जल्दी उसको कबूल कर लेगी यानी वो आपकी उस नसीहत को मान लेगी वला तद बना वनी अ का और अपनी घर वाली जो जो है उसको मत मारो कभी भी ना मारो जरबका का अपने लौंडी को मारने की तरह यानी जो ज़र खरीद लौंडी है उसके उसको मारने की तरह अपनी जो आज़ाद घर वाली अहलिया है उसको मत मारना तो वाऊ अबू दाबूदा इसी माम अबू दाऊद ने रवायत की है तीन हज़ार दो सौ साठ हदीस है तो ये इसकी सनद अजीज तलबा सही है और हदीस में मजकूर लफज अलबदा इसको अलबदा इसको अंडरलाइन कीजिए इसका मतलब है फोश गो यानी बदजुबानी मतलब ये कि आपने फिर ये फरमाया कि उसको फमुरहा इससे मुराद यही यकुल यानी उसको ये नसीहत करो कि बदजुबानी ना किया कर यानी जुबान को गंदा ना किया करो अच्छी बात किया करो और उसकी शक्ल सूरत को बुरा ना कहो यानी तो बार यह पहले भी गुजर चुकी है हदीस में अल्फाज वाल बन्ना वनी अता का दर बका बका उमई अतका हाँ जी इसको इसकी इबारत को भी आप अंडरलाइन कीजिए यानी अपनी बीवी को लौंडी की तरह मत मारो अच्छा जी चले जी तीन हजार दो सौ इकसठ अदीस आगे आती है लॉन्डी क्या है कि लॉन्ड्री को मार सकते हैं या फिर <human> ये वैसे रोकने के लिए कहा है कि मतलब इसको वैसे आ, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मारना जो है ये अच्छा ऊपर है बल्कि आगे भी हदीस आएगी तो मारना ये ठीक नहीं दुरुस्त नहीं ये उस वक्त की बात है जब कोई और सर ये क्या... जो लौंडी की तरह ना मारो है हम्म इसका मतलब ये है कि मार भी सकते हैं आप सर लौंडी ये। को या बीवी को दोनों को मार सकते हैं अब आप कुरान मजीद में, में नहीं आता फादर बू हन्ना कि उनको मारो तुम अब ये लेकिन इसमें आप जरा थोड़ी सी ना बात हम करेंगे इन टाइम कम है आ, ये पहली बार पहला ऑप्शन नहीं है ये बहुत आगे ऑप्शन आता है कि जिस वक्त की ऐसी सूरत बन जाए कि कोई बात किसी भी एतबार से वो बाज नहीं आ रही और फरमान नाफरमानी पे नाफरमानी करती चली जा रही है और इससे खतरा बढ़ जाता है कि शोहर उसको निकाल दे अपने घर से या तलाक दे दे तो उससे कहीं बेहतर है कि वो एक ये ऑप्शन है वो भी इस्तेमाल कर ले ये ऐसी सूरतें हैं पुराने मजीद में आप इनशा पढ़ेंगे वो ये ऑप्शन जो है आखिरी है तो उसमें भी ये कहा गया है कि चेहरे को बचाना है उसमें भी ये नहीं कहा गया जैसे ऊपर आया वला तो, वला कब्बर वला तो कब्बे वला तजुरफिल्बईद तो तो ये इनशा पढ़ेंगे फ़ान या सिबिन्ला यास बिन अब्दुल्ल रजी अल्लाह तुझे यह रिवायत मरवी है कॉला वो कहते हैं काल रसूलुल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तद रेबू एमा लो ये नहीं आ गई है यहाँ आम और नॉर्मल हालात में ज़रूरत ना हो तो कभी भी ना मारो अल्लाह की लौंडियों को एमा अल्लाह की लौंडियों को मत मारो ये अल्लाह के रसूल ने रोक दिया मना फरमाया वजा उमर उ रसूल इला, तो इस पर उमर रजी अल्लाह तसूल सल्ला की, की खिदमत में आदर हुए फकाला तो कहने लगे जरिस अल्लाह के रसूल सल्ला औरतें जो हैं ये अपनी शोहरों पर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं क्या ये अपना बड़ी नडर हो गई हैं औरतों के अपने शोहरों के बारे में खामदों के बारे में तो वो मतलब यानी मतलब ये कहने का था कि इससे औरतें जो हैं वो शोहरों की सामने बोलना उनकी बेजती करना उनके मामला में उलझना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो फर सफी वरब इनना तो तब अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनको तादीबी मार जो है उसमें रुखसत दे दी जब अजर उम्र ने यह बात फरमाई तो पा तो रसूल नसाउन तो अब क्या हुआ जब आपने रुक्सत दी तो साथ ही क्या हुआ कि की तादाद आना शुरू हो गई फाताफ बार घर वालियों के पास शिकायतें लेकर यशकून आजवाजाउ जो कि शिकायत कर, कर, कर रही थी अपने खामदों के बारे में जो ही ये रुख्सत की आवाज बाज गश्त आई तो जनाब जो है खामत जो है वो पल पड़े औरतें बेचारी जो है वो का कोई रो रही है कुआंसी बा रही है कोई शिकायतें लेके आ रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों के पास आताफ़ अब आल रसूल निसाउन कफ़ी याशून अजवाजाउन्ना वक़ार रसूलुल्लाह तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामला सुना अपनी अजवाज मतःरा से तो सूरत्या ये हो गई है तो लाफ़ अब आल मोहम्मद नसाउन के तहक़ीक आना शुरू हो गई हैं मोहम्मद वसल्लम की घरवालियों के पास उन कफ़ीर उन बहुत सारी औरतें यशकून अजवा जाहन्ना ये वो शिकायतें कर रही थीं अपने खामदों की बाबत तो आपने ये बात फरमाई फ़कार रसूल सल्ला का बेख्यार्म ये तुम्हारे अच्छे लोग नहीं हैं ये तुम्हारे बेहतर लोग नहीं हैं जो कि इस तरह हाथ उठाते हैं औरतों पर और मारते हैं तो रवा अबू दाबूद दाव अब अबन माजा बदारमी अब हो इसे इमाम अबू दाऊद इमाम अबिन माजा इमाम दारमी रहम्ला सब ने इसको हदीस को रिवायत किया अपनी अपनी कुत्ब हदीस में तीन हजार दो सौ इकसठ ये हदीस सही है और हदीस के अल्फाज अजीज तलाबा अंडरलाइन कर लीजिए लईसा उलाय का बेख्यारम इनको बल्कि याद कर लीजिए लईसा उलाह का बेख्यारम के जो अपनी घरवालियों पर हाथ उठाते हैं वो बेहतर नहीं ऐसे लोग जो अपनी बीवियों को पीटते हैं तो में से वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतर तो वो है खही रुकम खई रुकम लिया हली वाना खई रकम लिया हली ऊपर अदीस हमने गुज्त रोज पड़ी भी है तो आगे अदीसा हमारे पास अजीज़ तलाबाद तीन हजार दो सौ बासठ वाना भी हो रहा रहता कॉला कॉले रसूल सैदन अबू हुर रज़ी से यह रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खब्बा बम अला जहा वो शख्स हम में से नहीं यानी उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं मन खब्बा जो भड़काए वरगलाए भड़काए अंगेख्त दिलाए इमरातन किसी भी औरत को अला जवू उसके खामद के खिलाफ औ अबदन या किसी गुलाम को भड़काए या अनगेख्त दिलाए या जोश दिलाए अला सैदे उसके आका या मालिक के खिलाफ रवा अबू दाबूदा इसी अबूदाबूद ने रह रही दाबूद में रिवायत किया है और ये दीसन है सही है मन खब बाबा ये अंडरलाइन कीजिए जो, की जो शख्स भड़काए या उकसाए मना है वो इस तरह मसलन तू भाग जा या इसकी खिदमत अच्छी तरह से ना किया कर कामत को कहे अपना गुलाम को कहे कोई किसी अंदाज से और उसको ये हीला बताए इधर उधर हो जाओ छुप जाओ भाग जाओ कहीं और चले जाओ किसी और दुनिया में चले जाओ निकल जाओ उसकी ग़ुलामी से ऐसी और इसी तरह औरत को कहे कि उसकी बात ना मानना कर अपनी मर्जी किया करो तो इस तरह की बातें तो ये मनफी और फसाद की मुझे चीजें हैं तीन हजार दो सौ तिरसठ वन आयशत आयशा री से यह रवायत कलत कहती हैं कारा रसूल के रसोल फरमाया ईमान बेशक अहल ईमान में से कामल तरीन ईमान के अतबार से वो शख्स आसनुकन जिसका उनमें से खुलक अच्छा है अखलाक व अलतफ़ा बेह और जो उनमें से अपने घर वाली के साथ ज्यादा मेहरबान है शफकत करने वाला है नरम है अपनी घरवाली के से बारे में रवाह तिर मजदी सिरमदी ने रिवायत की है तीन हज़ार तीन दो सौ तिरसठ इस हदीस की सनत तो ज़ीफ़ है बाकी इसलिए कि अबू किलाबा ने आय रजी अल्लाह त से नहीं सुना अबू किलाबा जो है जो रिवायत करते हैं ना हज़रत अदरत रजी अल्ला से उन्होंने सुना नहीं हज़रत रजी अल्लाह रजील्ल्लाना से साबित नहीं और इस तरह हदीस के बहुत से शवाहद हैं मा सवाय अल्फाज व अलताफ हम वालताफ़ो हम ब्याले ही जो है इसको अगर अलग कर दो तो बकिया जो अदीस है उसके शवायद मौजूद हैं यानी वो सेहत के करीब या सही सही यादीस है इन नकमाल ईमान अहसान इसके शवायद बहुत सारे हैं वालता ब्याले ये अपना मफूम के अतबार से ठीक है इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं वन हो रही रत रिवायत हक मनीना ईमान आहसान ख़ुल का दीस बियालीदीस एल ईमान में से ज़्यादा कामिल वो शख्स है ईमान के अतबार से जो उनमें अच्छे अखलाक वाला है यानी खुलब के अहबार से अच्छा है व ख्याारकुम खारिल निसम और तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी घर वालियों यानी बीवियों के हक़ में बेहतर है रवा तिरमजी और इमाम तिरमजी ने इसको रिवायत किया है वक़ा लाजा हदीस हसनसहीन और इमाम तिरमजी रहा कहते हैं कि यह हदीस हसन सही है और रवा अबू दाबूदाला कौल ही जबकि इस हदीस को इमाम अबू दाबूद रह्ला ने इस कौल तक रिवायत किया है अकमी ईमान तो का यहाँ तक ठीक है जी तो ये तीन हजार दो सौ चौंसठ हदीस सही है अकमलमिन ईमान आसान खुलकन ये बात पहले भी अल्फाज आए हैं इनको अंडरलाइन कीजिए और इसका तर्जमा कीप इन योर माइंड इट्स ट्रांसलेशन हदीस तीन हजार दो सौ आयशा था आयशा रजी अल्लाह ना से ये रिवायत है कालत वो कहती हैं जी सैद आयशा रजी अल्लाह तीस आ गई है कहती हैं कादेम रसूल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मिन गज़बात तबूका ग़बा ए तबू से वापस ओ हुनैन या गज़बा हुनैन से गजबा हुनैन से या गज़बा तबूक से या अल्लाह शरज को इस बारे में शक हो गया है तो उन्होंने दोनों का तज़किरा किया है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे थे किसी गजबा से ही गजबा तबूक था या आठ गिरी में हुआ हुन ग जो तह वालों के साथ हुई थी फतेह मक्का के बाद बनु सकीफ और बनु हवाजन से इसको गजबा हुनैन कहते हैं वफी साहबाते और आ, उनकी जो एक थी ना साहबा कहते हैं अलमारी या कोई रोशनदान या कोई घर में कोई जो होता है ना क्या इसने क्या किया हुआ इसका हाँ जी अलमारी थी आ, सहवा वफीसा हुआ थे और उनकी एक जो रखने होते हैं दीवारों में बने हुए ए, पुराने वक्तों में ये होते थे अलमारी विंडो दीवारों के अंदर बना देते थे आगे पर्दा लटका देते थे तो उनकी अलमारी में शत्रों ने एक पर्दा लटका हुआ था महब्बत रीफन तो हवा जो चली हवा बा बड़ी तेज चलती है और घर में जो पर्दे वगैरह आते हैं ना वो हिलते हैं और कभी कभी ऊपर उठ जाते हैं और चीजें जो है वो नजर आती हैं मुनकशिफ हो जाती हैं महब्बत सीखन तो आवाज़ जो चली फत तो उसने उठाया उड़ाया जो है पर्दे का एक कोना उस हवा ने उड़ाया ठीक है जी अन उन गुड़ियों से आ, उन खिलौनों से लिहाय शी डबिन जो कि सैद आशर रजी के खिलौनों और गुड़ियों में से गुड़िया गुड़ियाँ थी वहाँ अलमारी में रखी हुई सयद आशर रजी नहा नहा ने जिनसे वो खेला करती थी और उनका जिक्र पहले भी आया है पका ला तो आप सल्लम ने जब वो पर्दा उठा आवाज़ से और आपने वो जो खिलौने और डॉल्स वगैरह देख ली तो फरमाया माँ हाजा ये क्या है या आयशा तो है आयशा ये क्या है कालत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया बना थी ये मेरी गुड़िया हैं ये मेरी गुड़िया हैं या मेरी डॉल्स हैं वाराआ बना फारा सन लहू आ, और लाहू जनाहाान मेरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुड़ियों के दरम्यान जो डॉल्स थी उनके दरमियान देखा एक घोड़ा लहू जनाहा ने जिसके दो पर थे रिकायन कपड़े से बने हुए कपड़े से बने हुए दो परों वाला घोड़ा भी रसूल ने सयद आयशा की गुड़ियों में या डॉल्स में खिलौनों में देखा कपड़े से बने हुए पर थे उसके जनाहा ने मर रिकॉन तो आपने फरमाया मा आयशा सुबह अल्लाह क्या अंदाज़ था कि ये क्या चीज़ है जिसे मैं देख रहा हूं इन गुड़ियों के दरम्यान ये क्या चीजें हैं खिलौनों के दरम्यान जो चीज़ मुझे नजर आ रही है कालत सैद अशर ने फरमाया फारा सुन ये तो घोड़ा है काला आपने फरमाया वो मल्ला दी है तो घोड़ा है तो इस, इसके ऊपर क्या चीज लगी हुई है कालत कहती हैं जनाहा ने यह इसके दो पार हैं काला आपने फरमाया फारा सुन लहू जनाहा ने घोड़ा और उसके दो पार ये क्या हुआ घोड़े के भी पार होते हैं कालत सैयद अशर रजील ने फरमाया था क्या आपने नहीं सुना है खैलन के बेशक सैदना स्य, सलीमान का एक घोड़ा था ला अज नेहात उसके जो है अपना पर थे खैलन या सलीमान के घोड़े थे जिनके पर थे कालत कहती हैं ये कह कर रिवायत करके कहती हैं फ़ला का तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम मुस्कुराए हतराई तो नवाज झाऊ यहाँ तक कि मैंने आपकी जो दाड़ें हैं हंसते हुए देख ली यानी थोड़ा सा आप तो इतना सा हंसे थोड़ा सा ज्यादा कि आपकी जो आखिरी दाड़ें हैं वो नजर आने लगी रवा अबू दाबूदा इसे इमाम अबू दाबूद ने रिवायत किया है अपनी किताब में तो ये तीन हजार दो सौ पैंसठ अदीस है ये हदीस सही है और बड़ा मरूफ ये वाक़ है और बड़ा ही अच्छा है। इसको याद कर लेना चाहिए सुनाने के लिए हदीस में रिका उनका मतलब कपड़े का टुकड़ा और हदीस में अल्फाज वफ़ी साहवत यासर उनका तर्जमा है और सैद अशर रजी की अलमारी पर पर्दा था तो इस किस्म के जो अपना खिलौने वग़ैरह या इस किस्म की गुड़िया बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए जो कि हकीकत पर मबनी ना हो और उनकी शक्ल असली तस्वीर ना हो तो जायज़ है किसी हद तक कि बच्चे उनसे दिल बहला लें खेल लें वमा तोफ़ी बिल्ला तो इसी पारी आज का हमारा ये लेसन अजीज़ा इख्ताम पजीर होता है अल्ला की तोफ़ी से हालाम बसवाब वाह वामक वर